हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन पे आप किस तरीके से ग्रैंड लीग को जीत सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टिप्स बताया है, मैं भी आपको इसी माध्यम से कुछ तरीका बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, पहले ड्रीम इलेवन पे इतना ज़्यादा लोग नहीं जुड़ा था, इसीलिए लोग आसानी से बहुत बड़ा इनाम जीत सकते थे। लेकिन आज तक ड्रीम इलेवन पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। पिछले कुछ साल से, जब से ड्रीम इलेवन की ब्रांड एम्बेसडर इंडियन क्रिकेट टीम की मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी इस फैंटासी लीग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तब से ड्रीम इलेवन की ब्रांडिंग बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। इसका ब्रांडिंग इतना कमाल का हो चुका है कि आईपीएल जैसी बड़ी टूर्नामेंट में भी वाइटल स्पॉन्सरशिप कर रहा है। ड्रीम इलेवन ने लोगों को बहुत विश्वास दिया है और लोगों ने भी उसको तरस कर लिया है। तो इसीलिए जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा लोग ड्रीम इलेवन पे आजकल जुड़ चुका है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर बहुत बड़े लोग जुड़ेंगे वहाँ पर ही लोगों के बीच कंपटीशन बहुत बड़े होंगे। तो गाइस, अब लोगों को शायद पता है ड्रीम इलेवन ऐप आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा, इस तरह से आप जाइए। तो गाइस, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। गूगल क्रोम पे आप जाइए, गूगल क्रोम पे जाके यहाँ पर सर्च कीजिए ड्रीम इलेवन एपीके। यहाँ पर जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टच कीजिए, आपको ऐसे एक लिंक मिलेगा। पहले लिंक पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। मैं पहले यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो गाइस, ड्रीम इलेवन पे एंटर करने के लिए आप फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी से भी यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐसा विंडो मिलेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा कि ड्रीम इलेवन के फुटबॉल के मैच भी है, क्रिकेट का मैच भी रहता है, बास्केटबॉल, बेसबॉल, एनएफएल, बहुत सारा लीग यहाँ पर रहते हैं। तो मैं क्रिकेट के लिए बात करूंगा। मुंबई इंडियंस के साथ आज सनराइज हैदराबाद के मैच है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, 49 रुपीज़ पे आपको 16 करोड़ प्राइस पूल मिलेगा। और यहाँ पर कितना का दे रहा है आपको, कितना दे रहा है, अगर आप फर्स्ट आएंगे तो आपको 1 करोड़ मिलेंगे। अर्थात इट मीन्स 49 रुपीज़ में आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर ऑलमोस्ट 44 लाख लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। 43,42,162 स्पॉट यहाँ पर आता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। और आप यहाँ पर कितना टीम लगा सकते हैं, अप टू 11, यानी कि आपको 11 टीम लगाने की इजाज़त मिलेगा यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाना चाहते हूँ यहाँ पर वो प्राइस पूल किस तरह से ब्रेक करेगा वो लोग। अगर आप नंबर 1 आएंगे तो आपको वाओ 1 करोड़ मिलेगा, नंबर 2 10 लाख, नंबर 3 5 लाख, नंबर 4 4 लाख, नंबर 5 3 लाख, नंबर 6 2 लाख। इस तरह से जैसे जैसे आपका रैंक
नीचे होकर जाएंगे, ऐसे वैसे आपका प्राइस भी नीचे जाएंगे। लेकिन दोस्त 49 रुपीज़ में ये प्राइस पुल कम नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। आप सहेंगे, आप ज़रूर सहेंगे। यार मैं 11 टीम को लगाऊंगा, उससे कम तो मैं यहाँ पे तो रहूँगा। एक टीम मुझे अच्छा खेल जाए, मेरा भी कोई ना कोई एक टीम अच्छा खेलेंगे, खेलने के बाद मैं तो यहाँ पर भी आऊँगा ना। तो अगर आप नंबर 9 पे आते हैं आपको 50,000 मिलेगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत यही है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा टीम बनाते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, उन लोगों का वाइस कैप्टन भी अच्छा खेलते हैं, कैप्टन भी अच्छा खेलते हैं, यानी कि प्लेइंग 11 में हर प्लेयर अच्छा ही खेलते हैं। लेकिन रैंक दोस्तों यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना अच्छा खेला, इतना सारा ढेर सारा टीम मैंने बना लिया, लेकिन मेरा रैंक, आप लोगों का ही प्रॉब्लम है ना, सब लोगों का ही प्रॉब्लम है कि रैंक यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है। अब 49 पे लगभग 68 रुपीज़ कमाते हो, 60 रुपीज़, 58 रुपीज़, 50 रुपीज़, 49 रुपीज़ या 40 रुपीज़। तो क्या गलत हो रहा है आपके साथ? कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। सब लोग चाहते हैं कि सब लोगों का टीम में अच्छा प्लेयर रहे, लेकिन दोस्तों जरूरी तो जरूरी यही नहीं है कि आप बाकी कि सब आप बाकी सब की तरह से सोच एक भी सोच रखें। ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो क्या है ट्रिक्स, किस ट्रिक से आप कुछ कमा सकते हैं, जीत सकते हैं? आपको चार बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, कॉमन टीम ना खिलाइए, कॉमन टीम ना खिलाइए आप। नंबर 1 यही है कि आप कॉमन टीम पे मत जाइए, कॉमन टीम ना खिलाइए। नंबर 2 है कॉमन प्लेयर, कॉमन कॉमन प्लेयर। नंबर 3, कॉमन लाइनअप पे मत जाइए, बैटिंग भी बॉलिंग भी। फिर होता है कि आप प्रेडिक्शन ना कीजिए, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन ना कीजिए, क्योंकि खेल एक अनप्रेडिक्टेबल गेम होता है। ड्रीम इलेवन भी खेल का हिस्सा है, इसीलिए ड्रीम इलेवन भी अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर आप प्रेडिक्ट करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रेडिक्शन यहाँ पे फेल्ड है। तो इसीलिए आप यह यही मत सोचिए कि आज तो मैच है, किसका मैच है आज तो मैच है MI वर्सेस हैदराबाद की, इसीलिए MI का टीम तो बहुत तगड़ा लगता है मुझे, इसीलिए MI भी जीतेगा। MI का प्लेयर में ड्रीम इलेवन की मेरी टीम में ज़्यादा रखूँगा और SRS की कम रखूँगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसा ही सोचते हैं। आप ऐसा मत सोचिए। आपको क्या मिला? कॉमन टीम ना खिलाइए, कॉमन प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाइए, कॉमन टीम ना खिलाओ, कॉमन प्लेयर ना सिलेक्ट करो, कॉमन लाइनअप पे बैटिंग या बॉलिंग लाइनअप पे मत जाओ, प्रेडिक्शन मत करो और कॉमन प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन मत बनाइए। देखिए लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लोग क्रिएट टीम पर, यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर क्रिएट टीम करना पड़ेगा, आपको टीम क्रिएट करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं यार दीकक तो बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं दीकक को ले लेता हूँ। जोनी वेरिस तो
बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं, इसके साथ में जाओ। ईशान किशन बहुत आईपीएल में बहुत सारे रन करते हैं, उभरता हुआ एक इंडिया का यंग टैलेंट है, इसीलिए इसको भी आप सिलेक्ट करते हैं। बैट्समैन की तरफ सब जाते हैं, देखते हैं वाओ हितमन शर्मा को आप सिलेक्ट करते हैं, द मॉन्स्टर डेविड वार्नर को आप सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं केन विलियमसन, यार केन विलियमसन तो T20 का प्लेयर नहीं है, ये रखते हैं। सूर्य कुमार यादव लास्ट मैच में बहुत अच्छा नहीं खेला था, छोड़िए। पांडे, हाँ पांडे तो एवरेज पॉइंट हमको दे देंगे, पांडे को सिलेक्ट करते हैं। ऑलराउंडर पे जाते हैं, हार्दिक को लेते हैं और पोलार्ड को लेते हैं। कितना हो गया आपका, 8 प्लेयर हो गया, 11, यानी कि आपको कितना क्रेडिट बाकी है, 24 क्रेडिट आपका बाकी है और आपको 3 प्लेयर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सोचते हैं कि मैं राशिद खान को लूँ, बुमराह को लूँ, यानी कि आपका क्रेडिट कितना रह गया, 5.5, और आपको सिलेक्ट करना है एक और प्लेयर। तो यार अब दिक्कत में आ गया, क्योंकि 5.5 पे आपको कोई प्लेयर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आप टीम को देखते हैं, देखने के बाद सोचते हैं यार दी कॉक लास्ट मैच में बहुत अच्छा नहीं खेला था, बेरिश तो भी अच्छा नहीं खेला था, इसीलिए अब बैक जाते हैं। बैक जाके आप प्लेइंग 11 के साथ शेर सर करते हैं। क्विंटन डी कॉक को आप निकाल दिया, निकाल देने के बाद आपने यहाँ पर बॉलिंग पे आ गई, आने के बाद आपको नटराजन मिल गया, आपको 7 क्रेडिट पॉइंट। यहाँ पर तो आप शेरसर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाते हैं देखते हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड, या यार हार्दिक को रखता हूँ, किरण पोलार्ड की जगह अभिषेक शर्मा को रखता हूँ, किरण पोलार्ड की जगह कुणाल को रखता हूँ, और यहाँ पर पेटिनसन को रखूँगा, और यहाँ पर किसके साथ जाऊँगा, ट्रेंट बोल्ट के साथ जाऊँगा, ट्रेंट बोल्ट। और अब सोचते हैं कि एक और बैटिंग ले लो, प्रियम गर्ग के साथ अब जाते हैं। यार आपका प्लेइंग 11 पे आ गया, ईशान किशन, बेरिस्तो, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, कैरन पोलार्ड, पेटिनसन, बोल्ट, बुमराह और राशिद खान। ये गाइस एक कॉमन सा टीम हुआ आपका, क्योंकि आप देखिए, आप सोचिए तो ज़रा, ईशान किशन को बहुत सारा लोगों ने ऑलरेडी अपने अपने टीम में शामिल कर चुका है, बेरिस्तो को भी लिया है, रोहित शर्मा हर किसी का टीम में होता है, डेविड वार्नर हर किसी का टीम में होता है, मनीष पांडे भी होता है, प्रियम गर्ग क्लास मैच में अच्छा खेला, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उसको भी सिलेक्ट किया है, पोलार्ड को सिलेक्ट करेंगे लोग, बुमराह को सिलेक्ट करेंगे, खान को भी सिलेक्ट करेंगे, बोल्ट अच्छा प्लेयर है सिलेक्ट करेंगे। तो आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप प्लेयर हो गया, नंबर 1 जेम्स पेटिनसन आपका थोड़ा अलग प्लेयर हुआ इसी प्लेइंग 11 पे। तो आप इसी स्क्वाड में आ चुके हैं कि कॉमन टीम खिलाए आप, कॉमन प्लेयर को आप टीम में शामिल कर चुके हैं। और आप सोचेंगे, आपका दिमाग में एक तो घुसा रहता है एक आगे से ही कि विकेट कीपर को कैप्टन रखते हैं और ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन रखते हैं। मुंबई जीतेगा इसीलिए मुंबई के प्लेयर को ही आप सिलेक्ट करेंगे, इसीलिए आप फेल होते हैं। तो आपको जीतने के लिए कुछ अलग करना ही पड़ेंगे, इस तरह से आपका रैंक तो आएगा,
आप तो जीत जाएंगे, लेकिन इस तरह से जीतने के बाद आपका रैंक क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं आएगा, इस लाइनअप पे नहीं आएगा दोस्तों। जीतने के बाद आपको इस आपका रैंक इस लाइनअप पे नहीं आएगा, आपका रैंक जरूर रहेगा लेकिन आपका रैंक यहाँ पर ही फंस जाएंगे, क्योंकि 44 लाख लोगों के बीच में 40 लाख लोग यही प्लेयर सिलेक्ट करते हैं। किसी का कैप्टन अलग होता है, किसी का वाइस कैप्टन अलग होता है, इसीलिए कोई नीचे रहता है, कोई थोड़ा ऊपर जाता है। तो आप इस तरह से ऊपर लेवल तक नहीं जा सकते हैं। आपको ऊपर लेवल जाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेंगे। आप यहाँ पर जाइए, जाके आप क्रिएट टीम पर जाइए, जाके आप एक बात को देखिए, क्विंटन डी कॉक 9.5 क्रेडिट, लास्ट तीनों मैच में अच्छा नहीं खेला था, उसको सिलेक्ट कितना लोगों ने किया है, 41 लोगों ने उसको सिलेक्ट किया है। तो आप भी सिलेक्ट कीजिए, 50% लोगों ने इसको सिलेक्ट नहीं किया है, याद रखिए 40% लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है। वेडिश तो अबव 70% लोगों ने सिलेक्ट किया है, सॉरी अबव 69% ने सिलेक्ट किया है, ईशान किशन 70% को सिलेक्ट किया है। तो यह बहुत सारे प्लेयर मिलेगा जिसको बहुत सारे लोगों ने सिलेक्ट कर चुका है। अब ऐसा मत कीजिए, आप जिसको सिलेक्ट नहीं किया है ज़्यादा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। बैट्समैन पर जाइए, रोहित शर्मा ऑलमोस्ट 85% लोगों ने सिलेक्ट किया है, जाहिर सी बात है नाम ही ऐसा है, ब्रेन ही ऐसा है भाई, क्रिकेट का ब्रेन ही ऐसा कर दिया है कि उसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। डेविड वार्नर यार बहुत अच्छा खेलते हैं, पर आप इन दोनों के साथ मत जाइए, क्योंकि इन दोनों को घर कोई ना कोई तो लेंगे ही है, जिसका क्रिकेट का आयदा भी नहीं है वो भी रोहित शर्मा और डेविड वार्नर का नाम जानते हैं, रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं जानते हैं, इसलिए दोनों को ही लेंगे। अब जेम्सन के साथ जाइए, क्लासी प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं, आपको ज़रूर पॉइंट देंगे, वो भरोसा कर सकते हैं इस प्लेयर के ऊपर। सूर्य कुमार यादव को देखिए, ऑलमोस्ट 50% लोगों ने सिलेक्ट किया है, यानी कि आधा लोगों ने सिलेक्ट किया, आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट 2-3 मैच में फ्लॉप हो चुका है, इसीलिए सांझे आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मनीष पांडे 72% ने सिलेक्ट किया, एवरेज टीम पॉइंट देते हैं वो। यहाँ पर प्रियम गर्ग को आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रियम गर्ग को नाम बनाना है, इसीलिए इसका मन में एक भूख है, इसीलिए उसको टीम में ज़रूर शामिल कीजिए प्रियम गर्ग को। इनको 31% ने सिलेक्ट किया है, आप भी उसको सिलेक्ट कर लीजिए टीम पे। ऑलराउंडर पे आइए, देखिए ऑलराउंडर पे हार्दिक का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हार्दिक जब खेलते हैं ना चारों तरफ शॉट लगाते हैं बॉस, इसीलिए हार्दिक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। केरन पोलार्ड, मुझे नहीं लगता है कि SRH के खिलाफ केरन पोलार्ड चलेगा, इसीलिए केरन पोलार्ड को मैं सजेशन नहीं करूँगा इस टीम के लिए। ग्रैंड लीग के लिए कुणाल पांड्या के साथ में जाऊँगा, क्योंकि कुणाल पांड्या बॉलिंग ऑलराउंडर है, लगातार सार भार वो करते हैं, बहुत अच्छा फील्डर है, इसीलिए कुणाल पांड्या मुंबई की बहुत इफेक्टिव बॉलिंग है, इसीलिए मैं कुणाल पांड्या को सिलेक्ट करूँगा। कुणाल पांड्या के बाद में अभिषेक शर्मा को भी सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक उभरता हुआ यंग टैलेंट है, लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला था, बॉलिंग भी कर लेते हैं, इसीलिए मैं उसको खिलाऊँगा।
यानी कि मेरा विकेट कीपर नंबर वन पे, विकेट कीपर एक हो गया, बैट्समैन तीन हो गया, ऑलराउंडर भी तीन हो गया, क्योंकि T20 पे ऑलराउंडर पे ही ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा, जो बॉलिंग भी करते हैं और लंबी लंबी हिट भी मार सकते हैं। T20 की स्क्वाड में जिसके पास ऑलराउंडर ज़्यादा होता है उन टीम का जीतने का चांस ज़्यादा होता है। बॉलिंग पे आइए आप, राशिद खान को 47% लोगों ने सिलेक्ट किया है। सोचिए राशिद खान का गेम दो तीन मैच में इतना अच्छा नहीं किया है, विकेट तो एक तो ले रहा है वो, लेकिन विकेट का जो लाइन लगा देता है ना राशिद खान वो नहीं हो रहा है, इसीलिए लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, राशिद खान को टीम पर, राशिद खान को टीम में ज़रूर रख लीजिए। बुमराह के साथ अब मत जाऊँ, बोल्ट के साथ भी अब मत जाऊँ, यस यू कैन गो विथ जेम्स पैटिनसन, पैटिनसन के साथ अब जाऊँ। राहुल शाह बहुत बड़ा पिक है, इसीलिए स्पिनर काम में आएगा, इसीलिए स्पिनर को खिलाओ राहुल शाह। यहाँ पर देखिए अब भुवनेश्वर कुमार तो लास्ट मैच में इंजर्ड हो गया था, नटराजन को लेंगे, ओ इस टीम में एक डार्क हॉर्स है बस, कहाँ से आकर कहाँ से विकेट ले लेते हैं और वो भी इम्पोर्टेंट विकेट, इसीलिए नटराजन के साथ आपको जाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं नटराजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरा क्रेडिट पॉइंट था 100, मेरा क्या हो गया 11 प्लेयर सिलेक्ट हो गया और लेफ्ट भी रहेगा, क्रेडिट मेरा पॉकेट में है 4.5 क्रेडिट, इसीलिए मैं टीम को प्रीव्यू करूँगा। पहले देखते हैं क्विन डॉन डीकॉक मेरा विकेट कीपर बैट्समैन है, सूर्य कुमार यादव, केन विलियम्स, प्रियम गार्ग, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, अभिषेक शर्मा, पैटिनसन, शाहर यानी कि राहुल शाहर, तीन नटराजन और राशिद खान, यही मेरा टीम है। और यही टीम को मैं क्या करूँगा, कैप्टन वाइस कैप्टन में सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा टीम पे कंटिन्यू पर जाते हैं, मेरा टीम पे कौन कैप्टन बनेगा, अब देख अगर मैं कैप्टन रखता हूँ क्विंटन डी कॉक को, क्विंटन डी कॉक अगर 50 रन लगाएंगे अपने बैच से तो मुझे 100 पॉइंट मिलेंगे, 50 × 2 बोनस भी मिलेंगे, यानी कि 130 पॉइंट मिलेंगे। अगर राशिद खान दो विकेट ले लेते हैं, एक विकेट में 25 पॉइंट, कितना हुआ, एक विकेट पे मेरा 50, दो विकेट पे मेरा 100, बोनस तो ये भी देंगे। इसीलिए बॉलिंग को आप सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रीम इलेवन के ग्रैंड लीग जीतने के लिए, बॉलिंग के साथ जाइए, ज़रूर जाइए, यानी कि आप ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं जिसको 4 ओवर डालना आता है, जो बहुत बड़ा इफेक्टिव होता है और जिसका बैटिंग भी टीम के लिए फायदेमंद होता है। अभी आपको जो ज़्यादा बॉल खेलेंगे ना पहले आएंगे, इसके साथ जाना पड़ेगा, तो क्विंटन डीकॉक पहले आता है, इसीलिए क्विंटन डीकॉक के साथ आप चले जाओ। देखते हैं टीम को सेफ कर लेते हैं, सेफ करने के बाद टीम को हम देखते हैं, यही मेरा टीम है, आपको दिख रहा है ना, यही मेरा टीम है। क्विंटन डीकॉक है आपका वाइस कैप्टन, यादव, विलियमसन, प्रियान परक, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, अभिषेक शर्मा, जेम्स पैटिनसन, राहुल सर, नटराजन, राशिद खान, अगर ये सारों सर दो दो विकेट भी लेते हैं ना, दो दो विकेट भी लेंगे ना, मुझे को 200 पॉइंट देकर जाएंगे ये लोग, 200। तो आपका टीम हो गया, आपका टीम तो बन गया। तो देखिए इस तरह से आप ड्रीम इलेवन ग्रैंड लीग जीतने के लिए थोड़ा सा अलग सा रिजल्ट पाने के लिए थोड़ा अलग करना पड़ेगा, यानी कि
आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बाद ही आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट मिलेंगे। बॉस यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर खेलने के लिए आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। सब लोग तो कॉमन टीम लेके यहाँ पर नंबर 1, 2, 3 पे नहीं आ पाएंगे। अलग टीम ने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में ही रहेंगे। अगर आप ड्रीम इलेवन की हिस्ट्री उठाकर देखें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 ये जो रैंक करते हैं ना, ये लोगों का टीम थोड़ा अलग रहता है। यानी कि आपको दिमाग में कुछ जो आइडिया आपके दिमाग में नहीं आएंगे ना, वो आइडिया इनके पास है। इसीलिए तो महेंद्र सिंह धोनी इस ऐप का, इस फैंटेसी लीग का ब्रांड एम्बेसडर है। तो इसीलिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, अलग सोच के अलग टीम बनाना पड़ेगा। और एक बात है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है ड्रीम इलेवन का जो ऐप है ना, ये ऐप तो बस फिक्स है, या ये ऐप में तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस रैंक पे हम आ नहीं सकते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर का सॉफ्टवेयर का गेम होता है और सॉफ्टवेयर खेल के हमको नीचे रैंक पर ला देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ड्रीम इलेवन एक बहुत बड़ी फैंटेसी गेम है। ये गेम बहुत सारे लोगों ने खेल चुका है, बहुत सारे लोगों ने कमाया भी है। सिंह धोनी जैसा लोग इस ऐप का ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसीलिए आप इतना नेगेटिव मत सोचिए कि ड्रीम इलेवन पे आपको नंबर 1, 2 का रैंक नहीं मिलेगा। आपको मिलेंगे तभी मिलेंगे जब आप कुछ अलग करेंगे। जो लोग अलग करते हैं वो लोगों को मिलता है, जो लोग सेम रहता है, कॉमन रहता है, वो लोगों को तो कॉमन ही पैसा मिलेगा। तो इसीलिए कुछ अलग करिए, नेगेटिव सोच मत रखिए। अगर आपका लक साथ दिया और आपने सोच समझ कर टीम सिलेक्ट किया, टीम इलेवन की ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। इसमें कोई दौरा नहीं है, आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। एक दिन नहीं होगा, दो दिन नहीं होगा, 3 दिन पे आपका ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ये सब कॉन्टेस्ट खेलने के लिए आपको कुछ अलग के सोचना पड़ेंगे, कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे लीग में थोड़ा आगे जा सकते हैं, आगे रैंक। अगर आप हेड टू हेड यहाँ पर देख रहा है ना, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पैसा ज़्यादा चाहिए। 5,750 का एंट्री करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 10,000 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कॉमन टीम खिला सकते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा अलग करना पड़ेगा। कॉन्टेस्ट फॉर चैम्पियनशिप, जितना अच्छा प्लेयर है सबको ले लो भाई, जितना अच्छा प्लेयर है सबको ले लो और एक ज़बरदस्त टीम बनाओ। अच्छा प्लेयर को शामिल करो, प्रेडिक्शन कर लो जो ए प्लेयर अच्छा खेलेगा, ए प्लेयर अच्छा खेलेगा, ए प्लेयर अच्छा खेलेगा। अच्छा अच्छा प्लेयर को सिलेक्ट कर लो, करके चैम्पियनशिप कॉन्टेस्ट में आप ज्वाइन कर लो। इस चैम्पियनशिप कॉन्टेस्ट में वो आइडिया बहुत सही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि विनर्स टेक्स ऑल कंपटीशन में आपको ज्वाइन करना है, तो इस कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए आपको अलग टीम ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 वाले को सब कुछ मिलेगा, नंबर 2, 3, 4 यहाँ पर आता ही नहीं है, इसीलिए अलग होना पड़ेगा। तो आप इस तरह से कुछ बातों पे ध्यान देकर ड्रीम इलेवन पे कुछ पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर ड्रीम इलेवन पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
ड्रीम इलेवन पे आप कुछ जीतना चाहते हैं तो कुछ अलग सोचो, कुछ अलग करो, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बाद भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट मिलेंगे। तो आज के लिए चलता हूँ गाइस, वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर ना पसंद है तो डिसलाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।